जैसे कि हम देख सकते हैं कि मार्केट में अभी ग्रीड चल रहा है और BTC का प्राइस 36-37 हज़ार डॉलर के आसपास चल रहा है, जिस कारण अभी मीम कॉइन्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए जो इस वक्त कॉइन है वो है मीम लैंड का मीम कॉइन, जो अभी बिल्कुल ट्रेंडिंग में चल रहा है। अगर हम बायनेंस के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, अगर हम वजीरक्स के ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे भी वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग कॉइन्स में से एक चल रहा है, जिसकी वैल्यू लगभग 3 रुपये के आसपास वजीरक्स एक्सचेंज के ऊपर चल रही है। तो इसका आखिर रीज़न क्या है, क्या मीम कॉइन अभी हमें अच्छे प्रॉफिट्स देने वाला है नहीं? क्योंकि मेरा मानना यह है कि यहाँ से हमें कम से कम 10x से लेकर 30x तक का प्रॉफिट बहुत ही आसानी से मिलने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा अपडेट आया है इस मीम कॉइन का जो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर अभी तक आपने मीम कॉइन बाय नहीं किया, वरना आपको बता दूंगा कि कैसे आपको एयर ड्रॉप मिल सकते हैं, आप फार्मिंग कर सकते हैं, और फार्मिंग भी 2 तरीके से हो रही है, इनकी खुद की वेबसाइट के ऊपर और बायनेंस के ऊपर भी फार्मिंग अभी चल रही है, जो कि टोटल 1 महीने की फार्मिंग है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ हमारे चैनल वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल जो टेलीग्राम का चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशंस पहुंचते रहे, जिसमें आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिलने वाली क्रिप्टोकरेंसीज की, जो कि हम ट्विटर के ऊपर भी रेगुलर बेसिस पर डालते रहते हैं। तो अभी मार्केट में सबसे अच्छी चीज क्या है, तो यहाँ आप देख सकते हैं BTC का प्राइस बहुत ज़्यादा स्टेबल सा चल रहा है, यानी कि 36,000 डॉलर से ऊपर ही चल रहा है। इवन फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखिए तो 75 के आसपास चल रहा है, जो कि आज से 3-4 दिन पहले नीचे चला गया था, यानी कि ये न्यूट्रल की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अब फिर से ये ग्रीड में आ चुका है, 75 के आसपास चल रहा है। अब BTC की डोमिनेंस देखिए 51% के आसपास चल रही है और मार्केट कैप 1.4 ट्रिलियन के आसपास चल रहा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है लगभग सभी ऑल्टकॉइंस के लिए, यानी कि अभी सारे ऑल्टकॉइंस एंड मीम कॉइंस को बहुत अच्छा एक पुश मिल रहा है इस वक्त। यही कारण है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अभी जो मीम कॉइन है इसको अगर हम वजीरक्स के ऊपर देखते हैं तो 3 रुपये के आसपास चल रहा है, जो कि 2.6 रुपये से लेकर 3.3 रुपये तक पहुँचा है, यानी कि ये टॉप गेनर्स में रहे, और ऐसे ही टॉप गेनर्स इवन बायनेंस एक्सचेंज के ऊपर भी रहे। आप देख सकते हैं न्यू लिस्टिंग्स में से टॉप में यही कॉइन चल रहा है। तो इसका सबसे मेन रीज़न जो है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो मीम कॉइन का मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रहा था कि मीम कॉइन और मीम लैंड ने ये अनाउंसमेंट करी है कि इनका कोई भी रोड मैप नहीं है, इनका कोई भी प्रोडक्ट नहीं रहने वाला, इन्होंने कोई भी प्लानिंग नहीं करी है, कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है, लेकिन अब फाइनली इन्होंने सामने अपनी स्ट्रैटेजी रख दी है कि इनकी टोटल 5 स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव बन चुके हैं। अब मीम लैंड सिर्फ मीम कॉइन नहीं रहेगा, पहले कोई भी यूटिलिटी नहीं थी, लेकिन अभी उसमें यूटिलिटी डालना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनके नए फेज़ आने वाले डेवलपमेंट के यहाँ पे आपको अलग अलग दिखेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो अपना ये प्रोडक्ट लेके आएंगे। अब प्रोडक्ट की बात करें तो इनका जो मीम कॉइन है, यानी कि मीम लैंड का मीम के नाम से जो कॉइन है, ये भी खुद में ही एक प्रोडक्ट है। लेकिन जनरली क्या होता है कि बहुत से ऐसे जो कॉइन्स आते हैं, प्रोजेक्ट्स आते हैं, वो अपना खुद का नेटवर्क लेकर आते हैं, यानी कि अपनी खुद की ब्लॉकचेन लेकर आते हैं, उसी के साथ अपने जो सिस्टर कॉइन्स या फिर बेबी कॉइन्स लेकर आते हैं, अपना इकोसिस्टम किसी न किसी तरीके से बढ़ाते हैं, या फिर अपना डेक्स लेकर आते हैं, अपना स्वैप लेकर आते हैं, या फिर अपना फार्मिंग करने वाला कोई भी ऐसा एक प्लेटफॉर्म लेकर आते हैं, जो जैसे कि इनकी ऑलरेडी फार्मिंग चल रही है इनके खुद के मीम कॉइन के वेबसाइट के ऊपर। आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, एक तो फायर सेल मिल रही है, जहाँ पर आपको हर 24 घंटे के बाद यहाँ पे सेल में कॉइंस मिलते ही मिलते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पे एयर ड्रॉप मिल रहा है, यानी कि आप यहाँ पे एयर ड्रॉप भी ले सकते हैं, मीम लैंड के खुद के NFTs मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ इनकी फार्मिंग भी चल रही है, आप अपना वॉलेट कनेक्ट करके यहाँ पे सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन ये हमने सिर्फ प्रोडक्ट की बात करी है, अब इसके अलावा इवेंट भी इनका पहले भी हुआ है, जो कि बाली में हुआ था इंडोनेशिया में, अभी फिर से इनके कुछ और इवेंट्स आने वाले हैं। अब ऐसे इवेंट्स में जब क्रिएटर्स हैं या फिर इनकी जो मेन टीम है अगर वो सामने आती है, तो प्रोजेक्ट डेफिनेटली और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, हर किसी को थोड़ा और ज़्यादा विश्वास होता है कि ये प्रोडक्ट, ये कॉइन, ये प्रोजेक्ट अच्छा चलने वाला है, क्योंकि टीम सामने आ रही है। देखा जाए तो ये बहुत ही ऑनेस्टली काम कर रही है, यानी कि इन्होंने स्टार्टिंग में बता दिया कि इनकी यूटिलिटी नहीं है और इनकी कोई वैल्यू नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है, रोड मैप नहीं है। अब धीरे धीरे ये बता रहे हैं कि अपना इवेंट और भी लेकर आएंगे। तीसरी चीज़ जो है NFT, यानी कि इनके NFTs भी अभी लाइमलाइट में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसको हाइप मिल रही है। इंटीग्रेशन का मतलब यह है कि अपनी ये प्रोजेक्ट की इंटीग्रेशन काफ़ी सारे और प्रोजेक्ट्स के साथ करने वाले हैं, जिससे क्या है कि अभी डेवलपमेंट चलने वाली है, इनके मीम कॉइन के साथ साथ क्या कि ट्रांजेक्शन्स भी पॉसिबल हो पाएंगी, आने वाले समय में इसको एज यूटिलिटी टोकन भी यूज़ किया जाएगा। कुछ ऐसे मीम प्रोजेक्ट्स होंगे या फिर कुछ और प्रोडक्ट्स इसके ऊपर बनेंगे, इनके खुद का जो ब्लॉकचेन भी अगर आ सकता है तो उसके ऊपर भी नए से नए डैप्स एंड प्रोजेक्ट्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्ड किए जाएंगे। अब इसी के साथ इन्होंने स्वैग भी दिया, स्वैग में जनरली कई बार तो गिफ्ट हैम्पर्स भी होते हैं, लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ हो सकता है जो कि यहाँ पर टोटली रिवील नहीं किया गया है।
तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये सिर्फ क्रिएटर्स के लिए या फिर फैंस को एम्पावर करने के लिए नहीं है, बल्कि इसी के साथ साथ ये अपने जो मीम लैंड प्रोजेक्ट है उसको कम्युनिटी के द्वारा लॉन्ग टर्म चलाना चाहते हैं। यही कारण है कि ये सभी को अभी इन्वाइट कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बुरी न्यूज़ आ रही है वो यही है कि आप अगर मीम कॉइन के नीचे कहीं पे भी कमेंट देखोगे, आपको एक ही नाराज़गी दिखेगी फार्मर्स की, यानी कि जो भी फार्म कर रहे हैं मीम कॉइन्स को, उनको फार्मिंग रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, और ये आप हर जगह पे देख पाओगे। यही कारण है कि बहुत लोग इसको मीम कॉइन को एज ए रग पुल ही ऑलरेडी मान रहे हैं कि इसका रग पुल होगा, क्योंकि एयर ड्रॉप भी एक्चुअल में इन्होंने दिया या नहीं दिया आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको एक रियलिटी बताऊं कि आपको फार्मिंग नहीं मिल रही है इनकी मेन वेबसाइट के ऊपर, एयर ड्रॉप्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन वही अगर आप चले जाते हो बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर, यहाँ पे जो फार्मिंग चल रही है तो यहाँ पे इन्होंने खुद एलोकेट किए हैं बाइनेंस के लिए कि यहाँ पे फार्मिंग करके कुछ ना कुछ कॉइन्स एज ए रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। और यही मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ वीडियोस दिए थे कि कैसे हम फार्मिंग करके अपने BNBs लगाकर, अपने TUSD, अपने FDUSD लगाकर यहाँ पे फार्मिंग करके मीम कॉइन्स को फ्री में अर्न कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो पुराने वीडियोस देख लीजिए, अभी कुछ दिन और बचे हैं जिनमें आप और भी ज़्यादा मीम कॉइन्स को अर्न कर सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके पास मीम कॉइन्स इकट्ठे होंगे उतना ही फायदा है, क्योंकि अभी दिख रहा है इसमें, इस कॉइन में, इस प्रोजेक्ट में पोटेंशियल दिख रहा है कि आने वाले समय में ये बहुत ऊपर जाएगा। और वैसे भी देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, लेकिन इसकी हाइप अभी बनी है, ये एक्टिव अभी हुआ है, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर डाटा इसका भी आया है, लिस्टिंग्स इसकी अभी ही हुई है, जिस कारण इसकी वैल्यू भी बहुत ही सडनली इतनी ज़्यादा बढ़ी भी है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो बाइनेंस है, बाइनेंस के ऊपर आप फार्मिंग करो, वहीं पे आपको फ्री में कॉइन्स मिल रही है, फार्मिंग करके एज रिवॉर्ड्स मिल रही है, तो उनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप इनकी मेन वेबसाइट के ऊपर जाएं या फिर एयर ड्रॉप की वेट करें, क्योंकि वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसका कोई भी भरोसा नहीं है। लेकिन अगर बाइनेंस के साथ ऐसी डील करिए तो क्रेडिबिलिटी यहाँ पे बाइनेंस की आती है, ना कि इस प्रोजेक्ट की आती है मीमलैंड की। अब क्रेडिबिलिटी अगर बाइनेंस की रहेगी तो बाइनेंस इस चीज़ को हमेशा संभालेगा, संभालेगा कि अपने जितने भी फार्मर्स हैं बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर, उनको फार्मिंग रिवॉर्ड्स मिलेंगे ही। अब इसका अगला जो स्टेप हम देख पा रहे हैं वो यही है कि इनके कॉइन्स की वैल्यू तेज़ी से बढ़ने वाली है और बढ़ भी रही है। अब इसके पीछे 2-3 रीजन्स हैं। सबसे पहला रीज़न ये कि मार्केट अच्छी चल रही है, यानी कि आप ऐसा मान लो कि ग्रीड में मार्केट चल रही है, लगभग बुलिश ही हम बोल सकते हैं, बुलिश मार्केट चल रही है। कॉइन प्रोजेक्ट ने अपनी अनाउंसमेंट कर दी कि अपना ये प्रोडक्ट लेकर आने वाले, NFTs लेकर आने वाले, इवेंट्स करने वाले, अब और भी बहुत कुछ करने वाले, जिस कारण हाइप और भी ज़्यादा बन चुकी है। अब इसी के साथ इसकी जो लिस्टिंग्स है वो भी कई जगह पर, अलग अलग जगह पर एक्सचेंजेस के ऊपर भी हो चुकी है, जैसे कि वजीरएक्स हमारा इंडियन एक्सचेंज है, लेकिन इसके ऊपर भी लिस्टिंग हुई है, और हम रुपीस में भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 रुपए का मीम कॉइन चल रहा है। हालांकि इतनी वैल्यू, अगर हम कुछ अच्छे कॉइन की बात करें, डिफाई कॉइन की बात करें, वो भी इतनी वैल्यू अचीव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इतने गेंस भी हमें नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे अगर आपको किसी और मीम कॉइन के बारे में, डिफाई प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी कॉइन या एक्सचेंज प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूंगा। वरना आपको लेटेस्ट अपडेट्स हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी, वॉफ्टेड ऑफिशियल सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, और इसी के साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए वॉफ्टेड को, ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी हमेशा पहुँच रहे। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।